राज्य में 8 चरण के चुनावों को लेकर आज पूरी तैयारी की गई। इस मौके पर सभी कर्मचारियों को अपने अपने जगहों पर भेजा गया। आइए देखिए पूरी खास रिपोर्ट क्या है और क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिसर। चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें 52 पंचायत से इन्वॉल्व हो रही हैं। ये ब्लाक 3 ब्लाक हैं, ब्लाक बनूटी में 31 पंचायत है, ब्लाक मानपुर में 15 और दार मानपुर में 6 पंचायत हैं। कुल मिलाकर 384 वार्ड हैं, वार्ड मेंबर चुने जाएंगे और 53 पंचायत मेंबर चुने जाएंगे, पंचायत से कम चुने जाएंगे। इसके लिए पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। आज हमने 87 जो बसेज हैं वो रवाना किए, और इसके अलावा पिछले कल हमने 22 बसेज रवाना की थी दाल मार्केट के लिए। कुल मिलाकर तीनों पंचायत में लगभग 70,000 जो वोटर है वो अपना मत का उपयोग करेगा, और इसमें हमारे जो पहले 218 कैंडिडेट हैं जो सरपंच के हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 846 पंच के कैंडिडेट जो हैं जो चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा हमारे 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव हैं, और 47 ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं, और 270 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं। कुल मिलाकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पहले फेस हुए हैं बिल्कुल नॉर्मल रहे, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, और उम्मीद रखते हैं कि ये भी बिल्कुल नॉर्मल ही होगा। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा लोगों ने इस इलेक्शन में अपने वोट का उपयोग किया है, उम्मीद यही है कि लास्ट फेस में हमारी स्पेशल समिति रिविज़न भी चल रही है, 23 दिसंबर चलेगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जिन बच्चों ने जो 18 साल के होने वाले हैं 1 जनवरी 2019 को, वो भी अपना बोर्ड बनाएं, और जिनके बोर्ड बन गए हैं वो अपने मत का उपयोग करें, घरों से निकलें और अच्छे अच्छे